सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। होटल जा खर्चा बचना आहिनि, हिते रिश्तो.com में पैसा वेस्ट न वेंदा। प्रोफाइल घर वेठे भी माण्हू ॾिसी सघंदा आहिनि, ॻोल्हे सघंदा आहिनि, पोइ हिते मीटिंग अरेंज थियण खां पोइ पक बि थी सघंदी। रिश्तो.com में रिन्यूअल फैसिलिटी बि आहे, जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। मुंहिंजो फर्स्ट टाइम रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लास नगर कैंप 5 के रहने वाले नरेश रोड़ा को 1.5 वर्ष के लिए तरीपार करने का नोटिस पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। नरेश रोड़ा व्यापारी महापंचायत के उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी के पदाधिकारी रहकर काम कर चुके हैं। नरेश रोड़ा के तरीपार होने के नोटिस की जानकारी सामने आते ही नरेश रोड़ा के विरोधियों ने फटाखे फोड़कर मानो जश्न मनाया। नरेश रोड़ा के खिलाफ पुलिस में कई मामले दर्ज हैं, जिसके चलते नरेश रोड़ा को मुंबई, मुंबई उपनगरों, ठाणे और रायगढ़ जिले से तरीपार किया जाएगा। वहीं अभी जानकारी सामने आई कि हिल्लाइन पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम कई बार नरेश रोड़ा के घर पर गई पर नरेश रोड़ा पुलिस को नहीं मिला है। दशहरा, असत्य पे सत्य की जीत। आज उल्लास नगर शहर के अंदर इसी तरह एक ब्लैकमेलर, एक मैच बुकिंग, एक दारू का व्यवसाय करने वाला गुटखा किंग और सबसे बड़ा ब्लैकमेलर नरेश रोड़ा और गोल्ड की तस्करी करने वाला ऐसे व्यक्ति ने उल्लास नगर के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से कई व्यक्तियों को टारगेट करने की कोशिश की गई। कई लोग उसके टारगेट हुए शहर में और ऐसे कई लोग, जितने लोगों को टारगेट किया आज उसके साथ दोस्त बन के बैठे। उसका कारण यह था कि उसने अपनी दहशत निर्माण की। ये लोगों को ही नहीं, पुलिस प्रशासन, शासन और सारे अधिकारियों को कहां ना कहां टारगेट करने की कोशिश करता है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है ये ब्लैकमेलर नरेश रोड़ा। आज हमारे उल्लास नगर शहर के DCP, SCP और पुलिस प्रशासन ने सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। ऐसे ब्लैकमेलर गुनेगार को, जिसके ऊपर गंभीर बलात्कार, 307 पैरेसिस के, गोल्ड के, ऐसे न जाने कितने गंभीर गुने उसके ऊपर दाखिल है, ऐसे गुनेगार को तड़ी पार को आज 2 साल के लिए हद पार किया गया है। आज वो भगोड़ा घोषित किया गया है शहर में, आज वो शहर में भगोड़ा घोषित किया गया है। कारण यही है कि 2 पैक 4 पैक पीने के बाद रात को घर में बैठ के उसकी लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल से अपने आप को, लोगों को टारगेट करता है और टारगेट करने के बाद इतना ही नहीं, उसके घर तलक, उसके पर्सनल लाइफ तलक लोगों की दालचीन लगाने की कोशिश करता है। और कहां ना कहां ऐसे लोगों को, जो शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के काम करने वाला व्यक्ति तड़ी पार, उसको कानून ने उसकी जगह दिखा दी है। देखिए, महापंचायत इसलिए बनी गई क्योंकि हमारा शहर एक उद्योगी नगरी है, उद्योगी शहर है। पंचायत बहुत सारी बनती है। हमारी UTA भी है, उल्लास नगर ट्रेड एसोसिएशन है, जिसके प्रेसिडेंट सुमित चक्रवर्ती है। अगर शहर के अंदर ऐसी कहीं पंचायत बनती है तो पंचायतों का काम रहता है कि लोगों को न्याय दिलाना, व्यापार को बचाना, ना कि किसी के पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफेयर करना और किसी को टारगेट करना। पंचायत का काम यह होता है कि लोगों को न्याय दिलाना। जो शहर के अंदर आज अगर गारमेंट लाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या जो भी हो, ये जितने भी एसोसिएट है, इतने लोगों को न्याय दिलाने का काम पंचायत का रहता है। और पंचायत के अंदर ब्लैकमेलर, मैच के बुकी, लॉजिंग बोर्डिंग, ऐसे धंधे करने वाले को पंचायत का सदस्य बनाने का, मैं बोलता हूँ इस पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मैं आपके लिए पहले तो ये बताता हूँ, पठानी शब्द
मैं तो बोलता हूँ कहा ना कहा ये जातिवाद हो रहा है, कहा ना कहा ये पठान लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और हम पठान ही नहीं है, हम उल्लास नगर के शहर के रहवासी है और हम लोग लाइसेंस होल्डर है। अगर हम लोग अगर किसी गोर गरीब को जरूरतमंद को नॉमिनल डॉक्यूमेंट पे अगर नॉमिनल रकम नहीं दे सकते, अगर हम लोग उनकी मदद करते तो हम लोग पठानी हो गए? कौन से पेपर पे लिखा है 40%, 50% मेरे को आप बताइए। अगर कोई साधारण गारमेंट में काम करता है उसका मैन्युफैक्चरर है, पैकिंग वाला हो गया, वाश वाला हो गया, या मेकर हो गया, या जो भी संबंधित अधिक काम करने वाला हो गया, अगर उन लोग को गारमेंट वाले पैसा नहीं देंगे तो उनको कौन पैसा देगा? हम लोग नॉमिनल डॉक्यूमेंट पे छोटा मोटा लोन देते हैं उनको, और हम लोग लाइसेंस होल्डर है, हम लोग की लीगली बैंक है। देखिए डिपेंड नहीं करने का कारण ये है क्योंकि ये एक ब्लैकमेलर, तड़ीपार, चोर, इसकी बात को कोई इंटरटेनमेंट, इतना बड़ा आदमी नहीं इसको कोई इंटरटेनमेंट करेगा। इसने भले पार्ट कितने भी बनाए होंगे लेकिन आप भी जानते हो, आप भी मीडिया हो, इसको आपने भी इंटरटेनमेंट नहीं किया तो हम भी उसको इंटरटेनमेंट करें। इसीलिए हमारी पार्टी का भी एक संविधान है कि हमारी पार्टी ऐसे लुक्खों और चूतियों को कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं करती है। इस शहर के तड़ीपार को ऐसे कई गंभीर गुने हैं जो उसके ऊपर पेंडिंग है, जो पुलिस को भी ब्लैकमेल करके काना का दबाव तंत्र करके वो अपने आप को बचाव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें कानून और शासन और प्रशासन से पूरा भरोसा है, जैसे कि मैंने एसीपी, डीसीपी और थाना क्राइम ब्रांच डीसीपी, ऐसे कई पेपर वर्क मैंने किए हैं जहां पे मेरा स्टेटमेंट हो चुका है। आने वाले समय पे इसके ऊपर कई गंभीर गुने जो पेंडिंग है वो दाखिल होने वाले हैं और इसके ऊपर मोकोका के तहत गुने दाखिल करने का हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में ये शहर में किसी को बदनाम ना करे और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।